उधर हमारे संवाददाता विपिन चंद्रा ने पोलिंग पार्टी से खास बातचीत की है। नैनीताल जिले में 6 विधानसभा सीटों के लिए कल मतदान होना है। इसके अलावा हम लोग इस समय जहां पर पोलिंग बूथ के लिए लोग जाएंगे, पोलिंग पार्टियां जो रवाना हो रही हैं, उस स्थल पर हैं। उनकी ट्रेनिंग के बाद उनसे बातचीत करते हैं कि क्या क्या यहाँ पर उनको डायरेक्शन दिए गए निर्वाचन आयोग की तरफ से। निर्वाचन आयोग के सख्त निर्देश हैं कि किसी भी तरीके की जो मतदान है वो निष्पक्ष होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए। शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए हम लोग इस समय कालाडूंगी जो विधानसभा है उसकी पोलिंग पार्टियों से हम लोग बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा विनोद कुमार जोशी। जोशी जी, किस तरीके के डायरेक्शन है निर्वाचन आयोग की तरफ से और क्या क्या आप लोग करने जा रहे हैं? सर, डायरेक्शन ये है कि हमें यहाँ से सामान लेना है और सारी चीज़ों को चेक करना है। उसके बाद हमें अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट से संपर्क करना है और फिर हम गाड़ी में रवाना हो जाएंगे। ये जो आप मैं देख रहा हूँ ये क्या है, ये बता पाएंगे? चेकिंग लिस्ट है, हम चेक कर रहे हैं। सामान जो मिला है वो चेक कर रहे हैं। क्या क्या सामान है? हाँ, जैसे बैलेट नीट हो गई, कंट्रोल नीट हो गई, वी पैड हो गया, निविदित मतपत्र हो गए, बहुत सारा सामान है। वैसे तो हम बता नहीं सकते, कम से कम 100-150 लिस्ट होगी जो सामान मिला है उसमें मिलाना है। अच्छा, जो फर्स्ट टाइम जैसे मतदान होगा जिस समय सुबह सुबह, तो कितने बजे होगा? मॉक पोल कितने बजे करने वाले हैं आप लोग? मॉक पोल 6:30 से मॉक पोल होगा और उसके बाद चुनाव 8 बजे से चुनाव होगा। 8 बजे से इलेक्शन शुरू हो जाएगा। जो लोग हैं वो अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। हम लोग और भी लोगों से जानते हैं जो पीठासीन अधिकारी के बाद जो मतदान अधिकारी फर्स्ट सेकंड से बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? नासिर अली। नासिर भाई, किस तरीके की जो है डायरेक्शंस आपको निर्वाचन आयोग की तरफ से हैं? अब हमको तो वैसे पीठासीन के निर्देशन में रहना है और उनके अनुसार जो वो बता रहे हैं हमको, उनके अकॉर्डिंग हम लोगों को काम करना है। और वैसे तो हम लोगों ने ट्रेनिंग ली है कि मतदान निष्पक्ष रहे और शांतिपूर्वक जो है निपट जाए। बस हम यही कामना करते हैं कि सब बढ़िया हो जाए करके, बाकी हम पीठासीन के निर्देश में चल रहे हैं। सर, कालाडूंगी में कितने जो है टोटल प्रत्याशी हैं, लगभग अगर आपकी जानकारी में है कि टोटल कितने प्रत्याशी हैं ये बता पाए? 11 प्रत्याशी है, नोटा मिला के 12 है। 11 प्रत्याशी और एक नोटा, 12 है। जो डायरेक्शंस हैं, जैसे जिस समय वोट डालने के लिए लोग जाएंगे, मताधिकार का जो लोग प्रयोग करेंगे, उसको किस तरीके से जो है आप लोग पोलिंग पार्टी आपकी जो भी हैं, जो क्या क्या स्याही लगाएंगे या क्या सिस्टम रहेगा? का सिस्टम ये रहेगा कि पहले मतदाता अपनी ईपिक कार्ड या जो भी उसके पास जो 12 प्रूफ दिए हैं उन प्रूफ में से एक प्रूफ लेके आएगा। अगर ईपिक कार्ड लेके आएगा तो ज़्यादा बढ़िया है। हमारे मतदान अधिकारी प्रथम उसका अपनी चिन्हित प्रति से मिलान करेंगे सारा। उसका वो सेकेंड के बाद जाएगा मतदाता रजिस्टर में, उसकी एंट्री होगी और अमित शाही लगेगी। और मतदाता 3 के बाद जाएगा, मतदाता 3 अपना कंट्रोल यूनिट से बैलेट देगा और वो फिर वो बैलेट जहाँ इश्यू होता है वहाँ बैलेट अपने पोस्ट पर जाके वहाँ मतदान देगा। और वीवीपैट में पर्ची का मिलान भी करेगा कि जिस कैंडिडेट को उसने वोट दिया है क्या उसी कैंडिडेट की पर्ची निकली है या नहीं। आपकी सर क्या जिम्मेदारी रहेगी इस पूरे उसमें? वही लास्ट में देखना है अमित शाही और उसका देखना है बैलेट का कंट्रोलिंग का लास्ट का। मशीन जैसे ख़राब होती है तो क्या आप लोग जो है डायरेक्शंस दिए गए हैं आप लोगों को? वो सेक्टर मजिस्ट्रेट की बात होगी, वही करेंगे उसकी व्यवस्था। क्यों हमारे बिल्कुल ये थे पोलिंग पार्टियां जो बता रही थी कि किस तरीके इसके डायरेक्शंस निर्वाचन आयोग की तरफ से दिए गए हैं, कैसे उनको काम करना है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण इलेक्शन सम्पन्न हो सके। सारा समय के लिए हल्द्वानी से।